गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो चलिए चाय के साथ अपने मॉर्निंग के सुबह करते हैं। और यहाँ पे साइड बाय साइड में कद्दू की सब्जी भी बन रही है, एज यू कैन सी। और कद्दू की सब्जी में खटाई कितने लोग डालते हैं मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करना। यार कद्दू की सब्जी में खटाई नहीं डाल के खाई तो ज़रूर से डाल के खाना। सो यहाँ पे हम इसे ढक के पका लेंगे और ये हो गया कम्प्लीट। चलिए चाय पीते हैं और मज़े करते हैं। सो यहाँ मैंने बनाया है सेवई उपमा, बहुत ही टेस्टी लगता है यार चाय के साथ सेवई उपमा का कॉम्बो, सो कूल। और यहाँ पे आई एम टेकिंग माय ब्रेकफास्ट इनको ऑफिस भेजने के बाद। और आज हमारी मेड थोड़ा छुट्टी पर है। ट्रांसफर ये ट्रांसफ़र कर लिया हमने। चलिए साथ में मिलके बॉटल्स भरते हैं। कुछ कुछ काम हमें निपटाने जल्दी पसंद होते हैं ताकि हम आराम से आराम कर सकें। डन। A few moments later. सो या गाइस चलिए स्किन केयर कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये क्लेंजर ले रही हूँ लॉरियल का, एंड देन लोटस का यहाँ पे स्क्रब है मेरे पास, ये स्क्रब बहुत अच्छा है। देन है यहाँ पे मेरे पास फेस पैक उपटन वाला एल्ब्स गुडनेस का, और लॉरियल का ही ये है सीरम ग्लाइकोलिक सीरम। और इसी रेंज की मैं क्रीम प्रेफर करती हूँ जो कि है ग्लाइकोलिक ब्राइट रेंज की। यार ये तीनों कॉम्बो ना बहुत अच्छा है, जिसने नहीं ट्राई किया वो ज़रूर ट्राई करना। ये है मेरी नाइट क्रीम और ये बॉडी लोशन, तो यार वन ऑफ फेवरेट बॉडी लोशन है मेरा, ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सारे अपने हेयर्स को पेन कर लेंगे सो दैट ये मेरे स्किन केयर में बॉदर ना करें। सो स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले क्लेंजिंग से। तो बिंदी वगैरह रिमूव करने के बाद यहाँ पे लिया है मैंने फेस वॉश। तो अच्छे से इसको जेंटल मसाज करने के बाद ये होता रहता है जब तक फनी फेस नहीं बना तब तक मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने फेस वॉश को रिमूव कर लिया है वाटर के साथ। सो अब इसको एकदम अच्छे से वाइप ऑफ करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा हो चुका है फेस वॉश। अब इसको हम टॉवल से पैट ड्राई करेंगे
और पैड ड्राई करने के बाद यहाँ पे हम स्क्रब का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें ओट्स के पार्टिकल हैं और ये जेंटल तो नहीं है, इस पर पार्टिकल शो होते हैं, आपको मैं दिखाती हूँ कैसे। तो मैंने इतना सा अमाउंट लेके अपने पूरे फेस पे रब कर दिया है। इसको बिल्कुल भी हार्शली नहीं लगाना है क्योंकि इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा थोड़ा सा मोटे हैं बिकॉज ऑफ ओट्स, बट ये स्क्रब बहुत अच्छा है, मतलब एकदम अच्छे से आपके ब्लैक हेड्स रिमूव कर देगा। मुझे वाइट हेड्स की प्रॉब्लम तो नहीं है बट मुझे ब्लैक हेड्स लिटिल बिट आ जाते हैं क्योंकि मैं थोड़ा ट्रेवल करती हूँ तो धूल पोल्यूशन इन सब की वजह से आ जाता है। ये देखिए आपको ओट्स के पार्टिकल्स विजिबल होंगे, ये देखिए दिख रहा है थोड़े दाने दाने जैसा। तो अब ये हो चुका है, अब इसको भी मैं रिमूव कर दूँगी अच्छे से। और अब इसको रिमूव करने के बाद, इसको भी पैड ड्राई करने के बाद, अब हम अपना नेक्स्ट मूव करेंगे जो कि है हमारा फेस पैक। और फेस पैक हमेशा लिटिल बिट डैम स्किन पे अप्लाई करना चाहिए। ये मैंने एब्स गुडनेस का फेस पैक लिया है और ये उपटन रेंज का है। तो ये फेस पैक बहुत अच्छा है, एकदम मतलब क्रीमी टेक्सचर है इसका। अच्छे से एकदम अप्लाई करने के बाद हर तरफ इवन लेयर पे, आप चाहो तो नेक पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैंने लाइक स्क्रब ऑलरेडी एक्सफोलिएट किया था अपनी बॉडी को तो मैंने नेक वगैरह पे अप्लाई नहीं किया। बट स्किन केयर जब भी करें तो अपने नेक को फॉरगेट नहीं करें। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है, अब हम आपसे मिलते हैं 10 मिनट बाद, 10 से 15 मिनट बाद हम इसको रिमूव कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे 15 मिनट बाद। और देखिए मैंने कौन कौन से स्किन केयर यूज़ किए हैं। तो ये है लॉरियल का क्लेंजर, देन है स्क्रब, देन है फेस पैक, और ये है ब्राइट क्रीम लॉरियल की और सिरम, और ये बॉडी लोशन, दैट्स इट। और अगर आप मेरा ये बी ब्लंड का शैम्पू है और इसी के रेंज का कंडीशनर, ये दोनों कॉम्बो तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। सो या गाइस 15 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसको रिमूव करेंगे। तो रिमूव कभी भी आप डायरेक्ट ना करें, उसको हल्का सा मसाज करके रिमूव करें सो दैट आप जो ये स्टे कर जाता है ना, लाइक जो इसको लगाने से टाइट टाइट तो फील नहीं होता है बट आराम से ये अच्छे से रिमूव हो जाता है। तो ये हमने अच्छे से रिमूव कर लिया है अपना फेस पैक, और यार इतना अच्छा ग्लो इफेक्ट दे रहा था ना कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। ये इस पर नहीं समझ आ रहा है और अभी मैं बताऊँगी इसमें क्यों आपको येलो येलो सा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं सिरम अप्लाई करूँगी और हमेशा सिरम को शेक करके अप्लाई करना चाहिए, अदरवाइज़ जो रेसिड्यू होता है वो नीचे ही बैठ जाता है। तो सबसे पहले इसको हम पाम पे लेंगे अच्छे से 2 से 3 ड्रॉप, और फिर उसको इमल्सिफाई करेंगे, लाइक उसको रब करके अपने फेस पे लगाएंगे। हमेशा सिरम को ऐसे ही लगाएं, डायरेक्ट कभी भी ड्रॉपर से अपने फेस पे कॉन्टैक्ट ना करें, हमेशा पैड ड्राई करके लगाएं, हमेशा पैड 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 करके अपने स्किन पे इसको एब्जॉर्ब होने दें। और जब स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाए, ये ग्लाइकोलिक एसिड है तो इसको डैम्प स्किन पे नहीं अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे डे क्रीम लगाऊंगी क्योंकि मेरा नाइट रूटीन अभी नहीं है, तो मैं डे क्रीम लगाऊंगी और इसकी बहुत थोड़ा सा ही क्वांटिटी लेनी होती है। एज यू कैन सी, ये देखिए मैंने इतनी ज़रा सी ही क्वांटिटी ली है और ये काफ़ी पूरे फेस के लिए एनफ होती है। और यार सच में इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपको 2-3 शेड स्किन ब्राइट ज़रूर से ज़रूर दिखेगी। ये रेंज मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, इसका मैंने हैलुरोनिक एसिड भी ट्राई किया था, देखिए कितनी प्लम्प लग रही है स्किन। तो अब लगाते हैं बिंदी, और बिंदी मैं एक बार में सही लगा लूँ ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ये देखिए अब सही लगेगी। तो ये मैं डॉट एंड की का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, एज यू कैन सी ये बहुत अच्छा लिप बाम है। इस पर इतना प्यारा सा टेंट आता है ना पिंक कलर का, कि आप लोग भी यूज़ करो, बहुत अच्छा बहुत सफल लुक देगा। इसके अलावा आप इसको बाहर भी लगा के जा सकते हो। तो यहाँ पे मेरा स्किन केयर मैंने कंप्लीट कर लिया है,
तो यहाँ पे मैंने एप्रन पहन लिया है। और यार मैं बहुत क्लम्सी हूँ इसलिए मैं एप्रन पहन के ही काम करती हूँ, क्योंकि अक्सर कुछ ना कुछ मेरी ड्रेस में गिर ही जाता है। सो मैं यहाँ पे पराठे बनाने जा रही हूँ, और एक बार में गैस मुझसे जल जाए ये तो हो ही नहीं सकता। और अगर पता नहीं क्यों मेरे साथ क्या दिक्कत होती है, अगर उस पर कुछ चढ़ा हुआ है तो मेरे से गैस जलेगी ही नहीं, फिर पहले चलाऊँगी फिर उसके बाद कुछ ना कुछ चढ़ाऊँगी, फिर चाहे वो कढ़ाई हो या तवा हो या वॉट एवर इट इज़। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ। और आप लोग का डेली डेली रूटीन में क्या होता है? और हाँ, कद्दूकस की सब्ज़ी के साथ आपको पराठे पसंद है या पूड़ी पसंद है आप मुझे ज़रूर कमेंट डाउन करना। हालांकि हमारे साइड कद्दू के साथ पराठे या पूड़ी खाए जाते हैं, एक्चुअली रोटी मुझे खुद भी नहीं पसंद है कद्दू की सब्ज़ी के साथ। तो यहाँ पे मैंने पराठे देखे बना लिए हैं, और मम्मी थोड़ा सा बाहर गई हुई हैं और मेड छुट्टी पर हैं, तो सारा काम मुझे ही करना है, बट कोई नहीं कभी कभी चलता है। तो यहाँ पे पराठे बना लिए हैं मैंने, और मेरे से गोल बनते हैं, वैसे ट्रायंगल वाले भी बन जाते हैं। सो एक टास्क होता है कंप्लीट। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं पराठे बना लेती हूँ, और यार पता मुझे इतने काम करने की आदत नहीं है तो मैं थक जाती हूँ बहुत जल्दी। गाने के साथ काम करने का अलग ही मज़ा होता है ना। तो यहाँ पे ये मैंने पराठे सेक लिए हैं सारे, तो ये यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ, और या इट्स डन। सो यार किचन में जब भी आप लोग रहें तो प्लीज़ अपने हाइड्रेशन को नहीं भूलें। और मेरी तो यार चाहे से बैड हैबिट्स कर लो या गुड हैबिट्स कर लो, यार पता नहीं क्यों यार काम करते करते मुझे अचानक से पानी पीने का यार ध्यान आ जाता है, मुझे तो खुद ही नहीं समझ आता है। फिर फ्रिज से पानी निकालो, और कभी कभी तो पता है ऐसा होता है कि जैसे मैं रोटी बना रही हूँ कुछ बना रही हूँ तो उसमें बीच बीच में मुझे पानी प्यास लग जाती है, विच इज़ नॉट गुड, बट हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं खीरे का रायता बनाने जा रही हूँ, भैया को रायता पसंद है, मुझे सैलेड पसंद है, तो यहाँ पे मैं कद्दू की सब्ज़ी के साथ सैलेड भी खाती हूँ। एक बार में हो जाए वो तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैं गाने सुनते सुनते अपना काम कर रही हूँ। आप लोग गेस करो कौन सा गाना बज रहा होगा। हिमेश का है, तो उसके बाद थोड़ा सा मैं बीट्स डाल ही दूंगी, कोई बात नहीं। और मुझे गाना सुनते सुनते काम करना बहुत अच्छा लगता है। सुन लिया? मेरी तरह कौन कौन काम करता है किचन में डांस करते हुए। मुझे तो बहुत पसंद है यार म्यूजिक सुनते हुए काम करना, और बहुत ही मिनिमल टाइम होता है जब हम अपने आप को इंजॉय करते हैं, अपने पीसफुल टाइम को इंजॉय करते हैं। अदरवाइज़ घर में इतने सारे मेंबर्स रहते हैं तो इतना खुशी तो नहीं हो पाता है, क्योंकि यार फिर यू नो शर्म आती है थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने खीरे को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, और अपने लिए मैं कट करने जा रही हूँ खीरा। तो यहाँ पे मैंने खीरा कट कर लिया है। और मुझे मतलब कद्दू की सब्ज़ी के साथ मुझे प्याज वगैरह नहीं पसंद है, तो यहाँ पे मैं दही का रायता बना रही हूँ छोटे वाले भैया के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने दही ले ली है अच्छे से, भैया को रायता बहुत पसंद है, फिर चाहे वो खीरे का हो या प्याज का हो या मिक्स रायता हो या जो भी, तो वो ज़्यादातर रायता ही प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे रायता लिया है, फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, पहले इसे अच्छे से फेंट लूँगी। और आप कौन सा रायता मसाला यूज़ करते हैं? यहाँ पे मैंने कैच का यूज़ किया हुआ है रायता मसाला, इसके साथ फ्लेवर और भी अच्छा आ जाता है, लाइक इसमें अलग अलग करने का कोई भी नीड नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इस मसाले को डाल लिया है, और इसको अच्छे से हम मिलाएंगे।
और फिर जब भी आप कोई भी चीज़ बनाओ तो उसे प्लीज़ ज़रा सा टेस्ट ज़रूर कर लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो टेस्ट ही नहीं होती हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने खीरा भी ऐड कर दिया है जो ग्रेट किया हुआ था मैंने, तो अब फिर मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट करूँगी। और मेरी आदत है कि मैं सर्व करने से पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ, सो दैट कोई भी ट्रबल दूसरे वाले को ना हो। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से उसको मिक्स 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 करके अच्छे से मिक्स कर दिया है सब कुछ, दही खीरा और इसका जो मसाला था, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। मतलब यार इस मसाले को नहीं ट्राई किया तो ज़रूर से ट्राई करना। तो ये है मेरा सैलेड, ये है रायता। तो यहाँ पे मेरा काम होता है कंप्लीट। अब मैं अपनी एप्रन को उतार दूँगी, यार आई एम वेरी वेरी टायर्ड। और मीनवाइल इसी के साथ हमारी आंटी का भी आगमन हो गया था। काम करने के बाद आइए मेरे दिखाती यहाँ हूँ का जो मेरी मेरी बॉडी आंटी। है तो वो मैं आपका दिखा रही हूँ ये हैं आंटी और ये है उनका पहले बच्चा। से अब ये बर्तन डन ऑन मांजने के लिए आई हुई हैं, तो अब जब तक ये नहीं मांजती वेट हैं फॉर तब द तक मुझे यहीं कंप्रेसर बैठना ऑन पड़ेगा, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा वेटिंग ज़्यादा ज़्यादा वेटिंग वाली थक गई हूँ। वेटिंग काम करने का इतना जब ओह हैबिट नहीं होता तो सो इंसान थक ही जाता है, ट्रेनी और मेरे पति हमेशा उल्टा ही हो जाते हैं। आई डोंट नो वाई यार, मेरा ये मंगलसूत्र हमेशा उल्टा हो जाता है। सो ये देखिए, ये मैंने लहंगी और कुर्ती वेयर किया हुआ है सुकून और मुझे ये है किसके मेरा साथ पूरा आपके लुक। साथ तो हम आ गए हैं रूम इश्यू पे। चाहते हैं मुझे सुकून मेरा क्यूट कुचू कुटू ये मेरे हर टाइम फेवरेट रहता है। आपके पास भी ऐसा होना चाहिए कि टेडी बियर आई लव माय टेडी बियर एंड आई थिंक ही आल्सो लव मी दोपहर यहीं ख़त्म होती है। अब भैया का वेट कर रहे हैं, अब जब भैया आएंगे फिर खाना लगाएंगे फिर खाएंगे हम दोनों खाएंगे भैया और मैं दोनों। देखते हैं कब तक आते हैं, तब तक तो मैं थोड़ा और इधर उधर का काम निपटा लेती हूँ। सो या गाइस, फाइनली भैया का वेट हो रहा है लिटरली इसी तरह, क्योंकि जब वो आएंगे खाएंगे तभी फिर मैं आराम करूँगी। आ जाओ भाई। तो यहाँ फाइनली भैया आ गए हैं और ये है उनका थाली और ये है मेरे थाली। तो मैं इस खाने को इंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिएगा अगर ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, बाय, सी यू टू माई नेक्स्ट।